कम यू ऑल इन इंजीनियर साइकिल के नाथ बात करने वाला हूँ मैं क्लाउड माइग्रेशन। नाम से पता चल रहा है माइग्रेट हो रही कोई चीज़। तो देखो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग डेटा एप्लीकेशन और द अदर बिजनेस एलिमेंट टू द क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। यानी आपकी कुछ सिंपली एप्लीकेशन थी, कोई डेटा था वो आपके पास पड़ा था, आपके एरिया में था, ठीक है। अब आपको उस चीज़ को क्लाउड यानी ओवर द इंटरनेट करना है, क्लाउड पे करना है, तो उस चीज़ को यानी कि आपकी एप्लीकेशन को क्लाउड तक मूव कराना माइग्रेशन करना यानी क्लाउड माइग्रेशन कहलाता है। अब इसके अंदर तीन चीज़ होती है, एक तो चैलेंजेस जो अपन को देखने को मिलते हैं माइग्रेशन इनटू क्लाउड एंड रिस्क इन द क्लाउड माइग्रेशन एंड थर्ड वन इज योर अप्रोचेस ऑफ माइग्रेशन इनटू क्लाउड। तो फर्स्ट में बात करूँ क्या क्या रिस्क लेने पड़ते हैं इन अ क्लाउड माइग्रेशन। तो पहला रिस्क है अपना डेटा लॉस। देखो, अब आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल आपका डेटा है या एप्लीकेशन है उसको किस में डालो, क्लाउड में डालो, पब्लिक है प्राइवेट है डजंट मैटर। लेकिन हो सकता है कि आपकी कुछ फाइल मिसिंग हो जाए जब आप इसको क्लाउड में डाल रहे हो, तो आपके पास बैकअप ना हो तो आप वो फाइनली आपकी फाइल मिस हो गई तो यहाँ पे डेटा लॉस होने का रिस्क रहता ही रहता है। इसलिए आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, बैकअप होना ही चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर डेटा लॉस रिस्क सबसे आगे है। सेकंड वन, वेस्टेड कॉस्ट, यानी कि आपको पता नहीं आपकी प्राइवेट क्लाउड में जाए या दूसरे क्लाउड में जाए, किस क्लाउड में जाए। देखो, सब अपने अपने क्लाउड, अपने क्लाउड वेंडर होते हैं, उनकी अपनी अपनी वो होती है, एक पॉलिसी होती है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अलग अलग अप्रोचेस होती है। अब आप देखो कि पब्लिक में जाए या प्राइवेट में जाए, हाइब्रिड में जाए, तो यहाँ कन्फ्यूजन रहता है। और अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी कॉस्ट अलग अलग में लगा के देख ले तो यहाँ पर वेस्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ बोला कि वेस्टेड कॉस्ट अपनी देखने को मिलती है रिस्क इन द क्लाउड माइग्रेशन। अब बात करता हूँ एडेड लेटेंसी। क्लाउड में जाने से पहले आपका ऐप बढ़िया चल रहा था, एप्लीकेशन बढ़िया चल रही थी, ठीक है। अब आपने क्लाउड में दे दी और कुछ एरर क्लाउड में आ गई, ठीक है, अनवांटेड एरर है। सपोज करो आपकी वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है, वहाँ पर वीडियो आपकी पॉज हो जाती है कुछ सेकंड के लिए और फिर दोबारा चलती है। हो सकता है आपकी ऑडियो और वॉइस, सॉरी, आपके ऑडियो और वीडियो में लैग कर जाए थोड़ी सी, तो ये लेटेंसी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बोला है कि लेटेंसी भी आपको देखने को मिलेगी रिस्क में। तो एक तरह से आपका रिस्क है लेटेंसी की, आपकी वीडियो आगे चल रही है, आपकी वॉइस पीछे चल रही है, या कोई डेटा मिसिंग हो रहा है, या कुछ लेक कर रहा है, तो यहाँ पे लेटेंसी या डिले होना, डिले कहते हैं ना, वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। सिक्योरिटी, कोई सिक्योर नहीं है पब्लिक के अंदर भैया, कभी आपका डेटा चोरी हो सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी की जा सकती है। तो पब्लिक में एक रिस्क ये रहता है कि भाई क्लाउड माइग्रेशन के टाइम आप हमारा सारा डेटा ले लोगे, लेकिन हमें क्या पता आपको हमारे डेटा का क्या करने वाले हो, तो यहाँ पे सिक्योरिटी। अगला, लैक ऑफ द विजिबिलिटी एंड कंट्रोल। अब देखो, जैसे कि आपने यहाँ पर पब्लिक में दे दिया क्लाउड, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन पब्लिक क्लाउड में गई है, तो यहाँ पर आपका कंट्रोल कम होगा क्योंकि पब्लिक है भैया, प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट में बहुत पैसे लगते हैं। तो यहाँ पर लैक ऑफ द कंट्रोल एंड विजिबिलिटी भी देखने को मिलती है। सिक्स वन ये कहता है कि इनकम्पेटेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर। जो हमारा आईटी आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स होने के कारण ये बोला जाता है कि इनकम्पेटेबल है वो, आज के टाइम में, आज के क्लाउड माइग्रेशन के टाइम में वो कॉम्प्लेक्स होने के कारण इनकम्पेटेबल बोला जाता है, तो ये एक रिस्क है। आगे, नो क्लियर क्लाउड माइग्रेशन स्ट्रेटेजी इन द प्लेस। यहाँ पर हजारों स्ट्रेटेजी मिल जाएगी आपको अलग अलग क्लाउड माइग्रेशन की, लेकिन कौन सी बेस्ट है हमें किसी को नहीं पता। कभी किसी में देखो, जैसे आपको सिंगल क्लाउड में करना है या आप बोलो मल्टीपल क्लाउड में, सिंगल में करना है तो वहाँ पर वेंडर इन लॉक प्रॉब्लम आएगी, मल्टीपल में अलग प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर पूरा नो क्लियर चिट नहीं है, यहाँ पे कोई क्लीन चिट नहीं है कि ये वाला आपको स्ट्रेटेजी यूज करना है, तो ये एक तरह से रिस्क यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे बढ़े चैलेंजेस की ओर। जैसे बात करें कि चैलेंजेस इन क्लाउड माइग्रेशन, तो तीन ही चीज़ देखने को मिलती है, तीन ही चैलेंज अपने पास, फाइनेंशियल कॉस्ट, अडोप्शन रेसिस्टेंस एंड स्किल शॉर्टेज। फाइनेंशियल कॉस्ट, देखो क्लाउड में अपन चेंज करें किसी भी एप्लीकेशन डेटा को, तो देखो क्या कॉस्ट लग सकती है, एप्लीकेशन को दोबारा रीराइट करना पड़ेगा, ठीक है, तो रीराइटिंग एप्लीकेशन, क्योंकि पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है। इन्वेस्टिंग इन पीपल, हमें ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जो ये स्किल्स जानते हैं माइग्रेशन के बारे में, क्लाउड माइग्रेशन के बारे में। ट्रेनिंग यूजर ऑन द न्यू सिस्टम, अब आपका पूरा सिस्टम नया हो चुका है क्लाउड माइग्रेशन के कारण, तो आपको अपने यूजर्स को ट्रेन करना होगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस इशू, परफॉर्मेंस में इशू आएगा क्योंकि सब नए नए सिस्टम पर काम करेंगे तो गलतियां तो होने ही वाली है। दूसरी बात, अब आप क्लाउड माइग्रेशन किया है आपने, तो यहाँ पे बैंडविड्थ तो कॉस्ट बढ़ेगी ना, बैंडविड्थ क्योंकि ओवर द इंटरनेट होने वाला है। सेकंड वन है अपना अडोप्शन रेसिस्टेंस, पीपल टेंड टू रेसिस्ट चेंज। अब आप कंपनी में कोई चेंज कर रहे हो तो लोग तो इस चीज़ को अपोज ही करेंगे ना कि क्यों चेंज कर रहे हो, हम तो इसी में माहिर है, तो ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी। ये आपका एक तरह से चैलेंज है ना क्लाउड माइग्रेशन। इसको सॉल्व कैसे करें, लोगों को ये समझाए कि हाँ चेंजेस करने से बदलाव आएगा आपकी सैलरी की, इनकम सैलरी में भी आएगा और आप कंपनी में भी देखने वाले हो और उसकी परफॉर्मेंस में भी देखने वाले हो, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो लोगों को। थर्ड वन, स्किल शॉर्टेज। शॉर्टेज यानी कि हमें ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे कि जो स्किल्स जानते हैं कि मैनेज कैसे किया जाए माइग्रेशन को, यानी क्लाउड माइग्रेशन को कैसे मैनेज किया, उस प्रकार के लोग ढूंढने पड़ेंगे जो ये स्किल्स जानते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रकार के चैलेंजेस जो हमें क्लाउड माइग्रेशन में देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करूँगा अप्रोचेस ऑफ माइग्रेशन इन क्लाउड।